पता जम्मे ही पंगे लैन हटे हाँ तो मैं पंगे लैन आ रहा तरुण फाड़ देंगे सबकी। जो डर गया सो मर गया, असली लीडर मैं ही बनूंगा। मैंने पिछला सीजन लीडर का देखा था, दैट वाज वेरी गुड, तो इस बार मैं मौका मिस नहीं करूंगी, जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। तरुण इस बार मैं आऊंगा तेरी वाट लगाने। तरुण भाई मैं आ रहा हूँ आपकी वाट लगाने के लिए, आपके ऑडिशन पे आपको देखने के लिए, आप क्या चाहते हो? अभी तो वड्डे वड्डे नहीं सुनी, तरुण साढ़े सामने की चीज है, देख लांगे जो सामने होया कर लांगे दो हाथ। दम दिखाने के लिए हमारे खिलाड़ी पहुंच चुके होंगे हमारे ऑडिशन वेन्यू मक्खन शाह लुबाना ऑडिटोरियम में, तो चलिए चलते हैं हमारे ऑडिशन वेन्यू पे। डर क्या गए जीत है, किसी से कम नहीं, हम लगाएंगे वोट इस बार। इस बार सबकी छुट्टी नहीं कर दी, मेरा नाम भी सना नहीं। बिल्कुल अलग
सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। हेलो सर। हेलो जी, की हाल है प्रवीण जी? बढ़िया सर। प्रवीण कितना बहादुर है तू? बहादुर तो बहुत हूँ, इतना तो मुझे पता है, बहुत। क्या ऐसा किया जिससे तुझे ये गलत फहमी? हाँ सर, ये तो बात आपने ठीक है। कमलेश जी, मेरा दोस्त लाओ जरा इधर ही। देख, ये मेरा एक दोस्त है, उसको इधर लेकर आ मेरे पास। नीचे देख। लेकर आए। और कुछ करके ही दिखाऊंगा। ये ऐसे मुंह पर छलांग मारता है सीधा। लाइफ में सांप पहली बार पकड़ा आज? बिल्कुल पहली बार। घबरा गया था? जितना एक आम बंदे को घबराएगा उससे थोड़ा सा कम। थैंक यू प्रवीण। में जाने से पहले मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से प्रिपेयर होना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे जोश ही नहीं होश की भी जरूरत है। हेलो सर। तूने बढ़िया गाला कर दिया तुसी। हाँ जी सर। बहादुरी गाला कटना? बिंदास रहती हूँ बस। टीवी पे अगर गाली दोगे तो मम्मी पापा को भी पता चल जाएगा। चलता है। मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे। क्यों बोलेंगे, जब उनकी लड़की रियलिटी शो में जा रही है वहाँ पे कुछ भी चलता है। पूनम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से बहादुरी किस चीज़ में है? बहादुरी कोई भी जो किसी चीज़ से डरे ना, कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको चैलेंज करे वो डरे ना, उसको करके दिखाए काम को, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा टफ है। अगर मान लो एक आदमी के सामने 7-8 लोग आ जाते हैं उसको मारने के लिए, वो उनसे लड़े उसमें बहादुरी है कि वहाँ से भाग जाए उसमें बहादुरी है? उसको लगता है कि ये मेरे को अभी मार सकते हैं, ठीक है, वो नहीं उनको फाइट कर सकता, देन उसकी तो भलाई इसी में कि वो भागे वहाँ से। जब तक अपनी जान है तब तक सब कुछ है। क्या करती हो तुम? मैं एक्टिंग लाइन में हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ और अभी तक शूट्स वगैरह म्यूजिक वीडियोज में। तुम्हें लगता है कि ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे एक्टिंग और मॉडलिंग में हेल्प करेगा? कहीं ना कहीं हेल्प होती है, एक्सपोजर मिलता है, पब्लिसिटी मिलती है। तुम्हारे को अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ में एक डेट पर चलो, मैं तुम्हारे को श्योर शॉट विनर बना दूंगा, क्या जवाब दोगी मुझे? मुझे लगता है कि हाँ, मतलब आपको पता है कि हाँ चलता है सब। फिलहाल तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन हाँ लगता है कहीं कि हाँ इस ऐसे करके काम मिल रहा है। हर कोई आजकल अपना देखता है, क्योंकि अगर हम सारे कंटेस्टेंट हैं, मुझे लग रहा है कि मैं विनर बन रही हूँ, तो मैं उसके लिए करूंगी कुछ भी। थैंक यू वेरी मच पूनम, यू आर वेरी ऑनर। हाय, व्हाट्स योर नेम? पूनम राजपूत। कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? जब मैं तरुण खन्ना के पास इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, मैं इतनी डरी हुई थी, लेकिन जो भी हुआ सबको अच्छा हुआ। जो जो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे मैंने सारे जवाब दे दिए और मेरा डर पूरा निकल गया। निशान, तुझे किसी ने कोई तमीज नहीं सिखाई? सिखाई है। क्या तमीज सिखाई है? बस तमीज है मुझे। तेरी तमीज है? तू किसी के ऑफिस या किसी के घर जाता है उसको ग्रीट करना तमीज नहीं होती? तेरी तमीज का हिस्सा नहीं है वो? है, बिल्कुल है। तू मेरे ऑफिस में आया, मुझे कोई ग्रीट किया तूने? नो सर। क्या? बस नहीं किया। तुझे किसी ने ऐसा बोला था कि जाके तरुण खन्ना के सामने बदतमीजी से खड़ा हो जाएगा? नहीं, नहीं। इसमें तेरे को लगता है तेरा एटीट्यूड दिखता है? क्या है तेरे को, क्या लगता है इसमें? कुछ नहीं लगता। तेरे को क्या लगा मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ? नहीं सर। तो फिर क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है मेरे साथ में? मैं क्या हूँ, मैं भी नहीं। की तरह बिहेव तो कर रहा है तू? तो मैं कौन सा, कैसे कर रहा हूँ? तू मेरे सामने आया, मेरे ऑफिस में आया और मुझे ग्रीट नहीं कर रहा, क्यों? नहीं जरूरी समझा मैंने। तुझे जरूरी नहीं समझा? नहीं सर। गेट आउट।
निडर विच क्यों पार्टिसिपेट करना चाहना? सर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहता सीगा। मेरी सिस्टर ने बड़ा फोर्स किया कि तू कर सकना, तू जा, तू एवं घर बैठा रहना, तू ट्राई तो कर। मैं सोचता सीगा बड़े बंदे आंदे आ यार, किवें इत्थे किथे हुंदा हो, पर मैं सोचा मैं कहा नहीं कर सकते। तेरी सिस्टर उत्थे वेख रही है कैमरे ते, उन्हूं की कहना चाहना? सर इमोशनल लग रहे हो यार। इमोशन साड़ी पर्सनैलिटी का हिस्सा होंगे ने। अगर तू इमोशनल हो रहे हैं तेरे अंदर की दिक्कत है? तू और तेरी भैन आपस में गल कर रहे हो, दुनिया देख रही है। इफ यू लव योर सिस्टर उन्होंने दस। सर मैं उन्होंने बहुत प्यार करना, इवन सारे नालों वध मैं अपनी सिस्टर प्यार करना। तेरी सिस्टर को बड़ी खुशी होगी अगर तू लीडर में सिलेक्ट हो जाना। बिल्कुल सर। अगर किसी वजह करके नहीं होता तो फिर मेरा बैड लक का सर, कोई चक्कर नहीं है। आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। थैंक यू अर्पित। थैंक यू सर। जी तुहाड़ा कोई बॉयफ्रेंड हैगा? बिल्कुल है। हां जी। उन्हें कोई सुनिया देना चाहते हो? नहीं, मिस हिम। यू मिस हिम? या। उन्हें फोन करना होए तो साड़ा मोबाइल साड़े पार्टनर है कि नहीं? G5। हां जी। तुम G5 का फोन यूज करो। ओके। बॉयफ्रेंड 2 मिनट में उड़ के इतने तुहाड़े को आ जाएगा। ठीक है जी। निडर विच क्यों आना चाहते हो? क्योंकि मैं है ही निडर हां, तो निडर जाना चाहती हूं क्योंकि मैं है ही। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਐਡਾ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨਿਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਊਟੀ ਪੇਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ MH1 ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਵੀ ਜੱਜ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਨਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ ਸੁਮੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ਾਟ ਵਿਨਰ ਹੋ। ਓਕੇ, ਕੀ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਟਰੱਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਊਜ਼ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਖਾਨਾ ਨੇ ਆਪਕੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰਡ ਲਗਾਈ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। इतनी नहीं, ऊपर से ज़्यादा मैंने ही वार्ड लगा दी उनकी। ओके, फिर तरुण खन्ना की काफ़ी वार्ड लगा के आए हो आप अंदर से, आपका मानना ये है? बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक, आप ऐसे ही वार्ड लगाते रहना तरुण खन्ना की, हम भी देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक जगजीत कौर। गुड इवनिंग दिव्या, की करते हो दिव्या? आई एम अ बॉक्सर और स्टडी भी कर रही हूँ साथ में और जॉब भी कर रही हूँ। बॉक्सिंग भी कर देना ले? हाँ।
नक तोड़ देगा कोई थोड़ी फिर नहीं इन्नी किसी च हिम्मत नहीं है बॉक्सिंग ते नाक टूट जांदी हिम्मत वाली केड़ी गल होंदी ते टूटी जांदी थोड़ी है मेरी नाक टूटेगी मैं किसी और दी भी तोड़ सकदी हां मैं ते नहीं कहा तुसी तू नाक तोड़ो तुसी हड्डियां तोड़ो मैं उत्तों नहीं कहा नाक टूट गई फिर नहीं टूटेगी मुंडा कोई बॉयफ्रेंड हैगा तोड़ा नहीं फिर मिलेगा भी कोई नहीं नाक टूट गई ते फिर की करोगे कोई चक्कर भी मुंडे दे सिर ते थोड़ी ना दुनिया चल रही है मुंडे कुड़ियां दोवां दे सिर ते चलदी कि एक दी एक भी नहीं होएगा ते दुनिया नहीं चलेगी ना फिर साडे बारे कदों सुनया एक्चुअली मैं पहले लास्ट टाइम भी देखा और मैंने लग्या कि मेरा मिस हो गया सीगा मैं लास्ट टाइम भी ऑडिशन देनी थी बट वो मेरा मिस आउट हो गया फिर इस टाइम मैं जब टीवी चैट देखी तब तो मेरी नींद भी उड़ी हुई थी मैं ऑडिशन देने तो देने अच्छा दिव्या मैंने गल दसो अगर तुहानू मैं कहां कि तुहानू मैं निडर ते लैके जावांगा तुसी मेरे नाल एक डेट ते चलो चलोगे नो क्यों सॉरी मैं कहांगा फिर मैं लैके नहीं जावांगा किस तरह का मुंडा है जिन्हें तो मैं एग्जाम्पल दियांगा एहो जे मुंडे ना आया करो मेरे को जब फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा शक्लों तू चिकना जिहा हैगा दो चार कुड़ियाँ तेनू वेख के खुश भी हो जाएंगियाँ ना तो तेनू वेख के तेरे शरीर तो लगता तू कभी कोई बड़ी मेहनत की दी है सर ना तेरी शक्लों वेख के लगता है बट जिम जाना सिर्फ साढ़ा जोड़ा पिछले साल का विनर से जिम कभी गया ही नहीं नहीं मतलब उन्होंने जिम का कोई शौक नहीं सी लेकिन निडर वन जीत के गया सी ठीक निडर जीतन वास्ते जिम जाने की कोई लोड़ नहीं है तेरे शरीर में वेख के कंचन काया तेरी एकदम हल्दी का उपटन लाना इंज लगता है चल अपने बारे दस अच्छे मैं क्यों लगे कि रिच रायसन ऐसा बंदा है कि यार मैं लैके जावा तो यार निडर जित जाएगा सर पक्का जीत जाऊँ सर टन क्यों 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 ऐसा किस तरह लगता है तेन गलत फहमी क्यों है वाली गलत फहमी है सर एक्चुअली मैटर सिर्फ ये नहीं करता कि फिजिकली बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया मतलब कि वो जितेगा शो जितेगा ठीक है बहुत चीज़ें मैटर करती हैं कॉम्बीनेशन हर चीज़ का यही नहीं कि कोई फिजिकली जिम्मे खली हो गया फिजिकली या फ्लैक्सीबिलिटी हाली हर चीज़ मैटर करती है माइंड गेम करती है सब कुछ मैटर करता जज्बे की बड़ी कदर करना यार तू मेरे शो की इतनी इंतजार की मैं बड़ी खुशी होंगी जब लोग इंतजार करते हैं मेरे शो की लेकिन अगर मैं तेनों किसी वजह करके ना ले जा पावा तो की करेगा सर इतना नहीं मैं सर अपनी 110% दा मेनू पता तू 150% भी देवेगा लेकिन एक लिमिटेड सीट्स है ने मैं पूरा ध्यान रखांगा पूरी कोशिश करांगा कि तेरा ना इतना कमाल दा रिच रायसन कि तू तेरा नाम करके ही ले जाइए तेनों असं लेकिन अगर किसी करके ना ले जा पाइए असं तेनों कितनी कु मायूसी सर ये तो बहुत हो गई सर मैं सुबह तक भी उत्थे मैं खड़ा आया तो इन्ना डेस्परेटली वेट करता था होंगे ना कि मेरी बारी जल्दी जल्दी आए तो सुबह का मैं बिल्कुल मैं सुबह तो कुछ नहीं खाया कि माउंटेन ड्यू पीती है तो सुबह तो मैं इतना खड़ा पुश अप लगाया सब कुछ किया मैं सीरियसली सर जो बंदा एक साल तो वेट कर रहा वो ही कैन डू एनीथिंग थैंक यू ਗਲਪੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਬੜੀ ਤਰੀ ਘੈਂਟ ਹੈ ਯਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਮਬੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ सब कुछ हो गया तो मेरा की होगा मैं अपने सुपनों किसी के अधीन नहीं होने देंगा मेरे सुपने आजाद ने ते मेरे अपने ने ते इन्हां नूं पूरा करन लई मैं कुछ भी करांगा मैनू केतन कहिंदे आ केतन वेरी नाइस थैंक यू सर कभी तुहानूं नहीं लगता तुसीं एक्टिंग वास्ते ज़्यादा परफेक्ट हैगे नहीं सर एक्चुअली जब मैं निडर का नाम सुनिया सीगा ना तो मैनूं लग्या शो मेरे वास्ते ही बनया मैं निडर नूं जित के निडर का आइकन बनना चाहना सर
ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੀਡਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਸਕ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਸਕ ਮੈਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲ ਵਿਨਰ ਸੀ ਸਰ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਲੈਵਲ ਬੈਸਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ उन्होंने कहा भी तुसी पंजाबी सोहने गभरू है तो टी शर्ट बहुत सोहनी है मैं उन्होंने थैंक्स किया तो वह कहते कोई डायलॉग बोल के दिखाओ मैं उन्होंने बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी पेश की फिर उन्होंने मैंने कहा भी तुसी लास्ट ईयर का बिक्रमजीत सिंह कंटेस्टेंट सीगा उन्हें हरा दोगे मैं क्या सर मैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह हरा दाँगा मतलब मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा होया और मैं लगता है कि मैं 101% ये सिलेक्ट हो जावा मैं गल दसो मनीषा इस गलतफहमी का शिकार क्यों है कि तुसी अगे इस शो विच कुछ कर सकते हो गलतफहमी तो नहीं कहूंगी अगर गलतफहमी है भी तो एक हद तक होती है उस गलतफहमी को प्रूव करने के लिए एक मौका तो चाहिए मैनू एक गल दसो कुछ लाइफ विच ऐसा एक्सपीरियंस रहा थोड़ा जिदे नाल तुसी कह सको कि भाई मैं कुछ एडवेंचर किए ने ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਬੜੀ ਬਹਾਦੁਰ ਦਲੇਰ ਹੈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਰਿੰਗ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਨੁਸ਼ਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆ ਤੂੰ ਕਰ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਮੇ ਲੈ ਜਾਊਂ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵਹਾਂ ਜਾ ਕਰ ਆਪ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤੋ ਵੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੋਗਾ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਯਾ ਯਹੀਂ ਪਰ ਹੀ ਅਗਰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਓ ਯਹਾਂ ਪਰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਊਂ ਤੋ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮੁਝੇ ਅਭੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੇ ਕਾ ਅਗੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ मुझे जिस तरह से प्लेटफॉर्म्स आज तक मिले हैं ना वो बाय लक मेरे हाथ से निकले ही हैं ड्यू टू एनी रीजन थैंक यू मनीषा नाइस हाय हाउ इज योर एक्सपीरियंस इट वाज अ वेरी नाइस एंड गेनफुल एक्सपीरियंस फॉर मी क्या क्या पूछा गया आपसे उन्होंने मुझे बोला कि जो आपने फॉर्म में लिखा है आपको लगता है आपका टैलेंट आपकी गलतफहमी है मैंने कहा नहीं ये गलतफहमी नहीं है ये एक लेवल है जिसके अगर मैं क्रॉस करूंगी तो वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा तो इस गलतफहमी को प्रूव करने के लिए आई नीड अ प्लेटफॉर्म और मुझे लगता है MH1 ने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है ताकि हम आगे आके अपने टैलेंट को प्रूव कर सकें आप खुद को कैसे प्रूव कर सकते हो कि यू आर रियल नीडर प्रूव करने के लिए एक आसान सा तरीका अपने आप को यूनिक और यूनिक के लिए वो चीज़ें करो जो दूसरे नहीं कर सकते अगर तुम्हें 10 लोगों के सामने खड़ा किया है कुछ ऐसा करो जो तुम्हें पता है बाकी 9 नहीं कर सकते वो तुम करोगे तो तुम्हें लगेगा कि यू आर यूनिक और ये जो यूनिक है उसी के पास टैलेंट है की करते हो जगदीप सर मैं अपनी डिप्लोमा की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ सर एक बार फिलहाल तो फ्री है सर ਅੱਗੇ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ ਅੱਗੇ ਟਰਾਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਸਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨੀਡਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੂੰਗੇ ਸਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਮੰਨ ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਣ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਓਕੇ ਸਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ
ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਲੱਸੀ ਲੁਸੀ ਪੀ ਸੌ ਜਾ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਆ ਸੁਬਾ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰ ਪਲੱਸ 2 ਦਾ 2 ਇਅਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜੌਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਗਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਮੌਕਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਆਸਾਮੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ 10-15 ਵੀ ਲੱਖ ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਆਊਗੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਲਊਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੂਸ ਕੇ ਕਮਾਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲਊਂਗਾ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੀ ਉਧਰ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਵ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਜਗਰੀਤ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਦਸ ਬਸ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਢਿੱਲਾ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਫਰ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦੂੰਗਾ ਫਾਈਨਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਦੀਪ ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਬਸ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁੱਟਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਛੁਡਵਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈਲਥੀ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਕਟਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਪਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਟਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦੇ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਈ ਕੁਲਦੀਪ How's your experience? It's very good. आपको क्या लगता है आप सिलेक्ट हो जाएंगी जी हाँ जरूर अगर मैं स्नेक उठा सकती हूँ अगर उसको भी कर ही सकती हूँ थैंक यू कुलदीप हेलो सर हेलो विश्वजीत क्या करते हो विश्वजीत सर डूइंग LLB आगे वकालत ही करना चाहते हो जी नहीं क्यों वो मेरे पिताजी का शौक है क्योंकि वो भी एडवोकेट है अगर पिताजी ने मना कर दिया निडर में पार्टिसिपेट करने से तो नहीं करेंगे आर यू फॉन्ड ऑफ एनिमल्स पेट्स डॉग्स उन्हें पाल नहीं सकता लेकिन उनको मैं जुर्म नहीं होने होने देता हूँ ये मेरा छोटा भैया इसको लेकर आओ मेरे पास ये मैंने बहुत बार उठाया यू बी ऑनेस्ट लाइक एक हाथ से उठा लो आपने तो बहुत बार उठाया आपको क्या दिक्कत नहीं दो से मैं उठा अरे एक हाथ से भी उठा जब जिसने उठाना है वो तो एक हाथ से ही पकड़ लेगा
तो ये तो बता दूंगा, कहूंगा ना मैंने मना नहीं। अच्छा भाई क्या विश्वजीत, वी हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन नीडर। आप बहुत जद्दोजहद के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, यू हैव सीन द काइंड ऑफ क्राउड इज आउटसाइड। हूँ अगर किसी वजह करके मैं आगे नहीं ले जा पाऊँगा तो किन्नी को मायूसी होएगी? दोबारा कभी आने के बारे में सोचोगे हमारे यहाँ? जी बिल्कुल। आपको लगता है मेरे पास अभी 10 साल है अपने, उसके बाद पिताजी। तो आपको क्या लगता है अगर आपको मैं रिजेक्ट करता हूँ जी, सपोज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो किस वजह से करूँगा? आपको ऐसा क्यों लगेगा कि मुझे रिजेक्ट किया तरुण खन्ना ने, और क्या चीज़ थी? क्योंकि मैं आपको अनफॉर्चुनेटली बता नहीं पाऊँगा। आपको पता होगा अगर आप बॉडी बिल्डर हैं तो शायद मेरी बॉडी नहीं है, मैं दिमाग से ज़्यादा काम लेता हूँ, तो इससे शायद आपको अभी 5 मिनट में तो मैं आप मुझे पहचान ही ना सकते। थोड़ा सा नहीं लगता लीडर का तो मालूम नहीं, आप वकील जरूर अच्छे बन जाओगे क्योंकि जिराह कर लेते हो। थैंक यू। थैंक यू विश्व। ये बहुत कट, सीधा खड़ा हो, हूँ एक पैर तो दूजे पैर से कहते बाहर काट देंगे, सीधा करके खड़ा हो जा, एक पैर से वजन पाले अपना, यहाँ सज्जे थे या खब्बे थे बोल, किधर खड़ा होना सज्जे थे, जितनी देर खड़ा रहेगा सजे पैर पे खड़ा, अगर उधर गया ना वापस मैं बाहर पैर गया। की करना बिन्नी? मैं कॉलेज पढ़ता। साढ़े शो बारे की ख्याल है? सर शो ताड़ा काफ़ी हो गया है फेमस, ते ताकर के इस मैं फेमस होने वास्ते आया थे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल फेमस, सेकंड ऑफ ऑल आई टू मैं सर। तू हिंदी या पंजाबी गल करेगा, तेरी अंग्रेजी बहुत खराब है, ठीक है? तो तू हूँ अंग्रेजी गल ना कर, ठीक है? तू इतने दस निडर बनाना आया कि फेमस होना है? मैं निडर बना। निडर बने अगर और फेमस ना है फिर? हाँ जी निडर बन गया, मैंने उस चीज़ का बहुत फायदा। मान लिया मैं तेनू कहना बुरका पा लै, सारी टास्क बुरका पा के बिन्नी कह लो जेड़ा है मुंडा, इनू मैं किसी को दसागा ही नहीं कि अगे आएगा गेम, मैं बुरके के अंदर इनू रखागा, बुरके च जित जाएगा, बुरके च घर चला जाएगा, किसी को कभी पता नहीं लगेगा। नो प्रॉब्लम, मेरे माँ पे पता लग जाएगा, उन्होंने मैं प्रूव करना है भी मैं कुछ है। अपने डैडी नु कुछ बोलना है तो बोल रहे थे। मैं पापा जस्ट ये कहना चाहवागा कि आई लव यू सो मच, तुम हमेशा मैंने कहते हो भी मैं कुछ करता नहीं हाँ, हूँ मैं कुछ करके ही विखावगा तो ही करावगा, नहीं तो मैं कर लिया। एडा वड्डा प्रॉमिस ना कर। पक्का जी अगले सीजन च करो बाहर रह लाँगा, अगले सीजन दोबारा आ जाऊँगा। सीजन 3, 4, 5 जिन्हें आने के हर बार ऑडिशन देंगे, कभी ना कभी सिलेक्ट होगा, कभी ना कभी तो एंटर करा। रब करे ऐसे सीजन ही बारी आ जाए, लेकिन अगर ऐसे सीजन नहीं तो अगले सीजन जरूर तेरी बारी आ जाए। थैंक यू बिल्ली। बाद में दिखाऊंगा जब सिलेक्ट हो जाऊंगा। नहीं दिखा दे, क्या पता ये इंप्रेस कर दे और हम ले जाए। ये ले, ये ले। थैंक यू संजय। थैंक यू। थैंक यू सर। रविंदर की करना है? सर सिलेक्शन करना है। थोड़ा उच्चा बोलेगा तो सारी दुनिया नू सुनाई देगा रविंदर सिंह की कहना चाहता है। सर इतने सर निडर बनना आया, निडर बन के जाना। निडर तू इतों तो बन के नहीं जा सकता, उदे वास्ते तेनू होर जगह पर जाना पड़ेगा, ऐसे तो सिर्फ तेरा ऑडिशन और इंटरव्यू हो सकता है। तो सर ऑडिशन ही देना है सर। तू के है कभी कोई एक्सपीरियंस होया गे का? मैं एक मुंडा चाहिए सी जरा गे हो यार, उन्होंने मैं श्योर शॉट लैके जाता है। गे तो नहीं है
ये नहीं है सर, अगर बनना पड़े शो वस्ते तो बन जाएगा सर। जब सिलेक्शन हो रही है तो मैं बन जाऊंगा शो वस्ते बन जाएगा। यह मैं चंगा लगे घट्टो घट यार कोई तो है जो ईमानदारी भी गल करता है, यह दलेरी होंगी है। अगे आके गल करया करो यार, शर्मांदे कादे वास्ते हो। देखो मुंडे नूं इत्थे घट्टो घट मंदा तो पिया कि हाँ शो वास्ते बन जावा, घबराना मन असीं तैनूं शो वास्ते गे नहीं बनावांगे, असीं तैनूं सिर्फ बकरा बनावांगे या कदी कदी खोता बनावांगे ते तेरे ते समान लद के तैनूं इधर उधर करदे रहांगे। रविंदर मैनूं जल्दी नाल इक लाइन दस, तैनूं सानूं क्यों लेना चाहिदा वे? सर मेरे च सर इन्ना दम हैगा पैशन हैगा सर कि जो मैं सारे टास्क पूरे कर सकता। सिर्फ देर से दिखने नहीं लगता दिस रहा मैं सर, दिसन च नहीं लगता सर, अंदर हैगा दम सर पूरा। आपके दोस्त आपके बारे में सोचते हैं कि यू आर वेरी स्ट्रांग। वो तो हूँ। ऐसा क्या किया आपने जो दोस्तों को लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो? जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने इसमें इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी फ्रेंड्स और मेरी फैमिली कहती है। आप ऐसा नहीं मानते हो, वो झूठ बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो मानूंगी तभी तो लिखा है मैंने। आप इमोशनली स्ट्रांग हो कि फिजिकली स्ट्रांग हो? मैं बॉडी से भी स्ट्रांग हूँ, इमोशनली स्ट्रांग हूँ, पर ये है कि आंसू आ जाते हैं जल्दी, पर फिर भी स्ट्रांग हूँ। आपने ऐसा कभी कुछ किया है जिससे आपकी स्ट्रेंथ का पता लगा हो? बस यही है, स्पोर्ट्स वगैरह खेली है हमेशा, हर चीज में पार्टिसिपेट किया है मैंने। क्या? मैं वॉलीबॉल खेलती थी। अच्छा। मैंने रेसिंग भी की है। किस चीज़ से आपको डर लगता है? डर बस तो किसी चीज़ से मुझे लगता है, कॉकरोच से लगता है। ये मेरे भाई को लेकर आई थी आपके पैर के पास। ऑलरेडी मैरिड है। मैरिड के साथ क्यों चक्कर चलाऊंगी जब कुंवारे मर गए क्या? आपकी तरफ से ऐसा है या उसकी तरफ से ऐसा? वो उसे पता है, वो भी कौन सा मुझसे शादी करेगा, मैं नहीं करूंगी। मैं आपके इस जज्बे की बड़ी कदर करता हूं कि आप टीवी पे इतनी खुलकर इतनी बिंदास तरीके से बात कर रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लीडर का मतलब है कि हर एक अपने आप को लीडर साबित करना, हर एक चैलेंज एक्सेप्ट करना। मॉर्निंग सर। रोजी की कर दे तुसी? सर मैं जॉब करती हूँ। रोजी की एक्सपीरियंस ने तुम्हारे एडवेंचर विच? सर मेरे एडवेंचर में ये एक्सपीरियंस है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, जो भी मतलब मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है मैंने उस चीज़ को फेस किया है। ये नहीं है कि मैं उससे डर गई हूँ, मैंने उस चीज़ को फेस किया और मैंने लाइफ में आगे बढ़ना ही सीखा है कोई भी प्रॉब्लम है। रोजी सपोज ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਗੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਸਰ। ਅਗਰ ਆਪ ਨੀਡਰ ਮੇਂ ਆਗੇ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵਹਾਂ ਪਰ ਆਪਕਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੀ ਔਰ ਲੜਕੀ ਸੇ, ਵੋ ਆਪਕੋ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਤੀ ਹੈ, आप क्या करेंगे? आप मुझे कंप्लेंट करेंगी या खुद गाली गलौज करके? नहीं, मैं उसको समझाऊंगी, प्यार से उससे बात करूंगी। सानू पैन मां दी गाल कड्डी किसे ने ते कान दे थले खाए, फिर तो सुनेगी भी। अच्छा सानू दसो की सुनाओगे उनू? ए कैमरा हैगा उथे, वो कुड़ी हैगी है जिन्ने तानू गाल कड्डी है। मैंने कहूंगी ओ तेरी भैन, तेरी किद्दां हिम्मत हो गई मैनू कुछ कहण दी? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋ ਮੁਝੇ ਗਾਲੀ ਨਿਕਾਲਤੀ ਤੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਤੀ ਹੂੰ, ਏ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ? ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਏ ਰੋਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਾ ਤਰੁਣ ਕੰਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਸਤ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਨੀਡਰ ਕੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। क्या करना चाहता है आगे? मॉडल बनना चाहता है?
मॉडलिंग करता है अभी भी। मेरे को शौक नहीं, नहीं मॉडलिंग मॉडलिंग करना चाहता है। नहीं मॉडलिंग का भी शौक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक लड़का चाहिए यार, वो फिर तेरे में नहीं मिलेगा। मुझे पहले तेरे को देख के लगा था शायद मुझे वो लड़का मिल गया। अपने सभी लड़कों में मुझे एक लड़का चाहिए होता है हर साल ऐसा, जो बला का हरामी हो, जो वहाँ जाके गंद करे, एटीट्यूड दे सही से। एटीट्यूड तेरे में क्या है, तू एटीट्यूड देता है थोड़ी देर के लिए फिर घबरा जाता है। I'm tired, that's why. Tired तो बेटा तू वहाँ पे भी बहुत होने वाला है। नहीं ऐसा कुछ। अगर मैं तेरे को वहाँ ले गया तो यहाँ तो कुछ नहीं है, जो वहाँ पे मैं डिब्यूटाइट करता हूँ उसका तुझे आइडिया भी नहीं है। नो सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। बंसरी बजा दूंगा, बैंड बजा दूंगा सबके, आइडिया नहीं तुम लोगों को। डू नॉट वरी सर, जो आप करवाओगे मैं 100% देने की कोशिश करूँगा और हमेशा देता हूँ। इस तीली शरीर के साथ या तुझे पहलवान देखे मेरे इस बार कैसे हैं? देखे सर, टास्क भी परफॉर्म किया मैंने। दो के बीच में भी आ गया तो और पतला हो जाएगा। मंजूर है मुझे पतला होना सर। बिल्कुल आम पापड़ बन जाएगा तेरा। आम पापड़ बन लेंगे। थैंक यू पंकज। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ? ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪ ਭਰਾ ਲੋਗੇ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਕੋ ਸਾਰੇ ਟਾਸਕ? ਹਾਂਜੀ। ਬੈਂਡ ਬਜਾ ਦੋਗੇ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਕੀ? ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਟੂ।